हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर बर्निंग। जैसे कि हमें पता है कि कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होती है लाइम, जिससे कि हमें लाइम मिलता है, क्या होता है, रॉ मटेरियल हमारे पास होता है लाइमस्टोन। तो उसे हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, बर्निंग कराते हैं उसकी 800 से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में। तो क्या होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हमारी निकल जाती है, उसके बाद हमें लाइम मिल जाता है। ठीक है, तो जो बर्निंग होती है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर उसमें यूज होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है क्लैम बर्निंग, उसके बाद है सेकंड इंटरमीडिएट स्किलन और कंटीन्यूअस स्किलन। देखो, क्लैम बर्निंग में क्या होता है, ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है आपका एक स्मॉल स्केल पे जब आपको लाइम यूज करनी होती है वहां यूज किया जाता है। ठीक है, क्लैम बर्निंग इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, ग्राउंड लेवल को क्लीन किया जाता है और लेवल किया जाता है। लेवल करने के बाद क्या होता है, उसमें अल्टरनेट लाइमस्टोन और फ्यूल को रखा जाता है। पहले सबसे नीचे जो लास्ट में होती है वो फ्यूल को रखा जाता है, उसके बाद लाइम को। ठीक है, ऐसे फ्यूल लाइम ऐसे एक एक लेयर फ्यूल लाइम अल्टरनेट्स में रखते हैं। रखने के बाद क्या होता है कि मड़ मोर्टार जो होती है, मिट्टी की हमें वो करनी होती है उसके ऊपर, मोर्टार से मतलब मिट्टी, मड़ मोर्टार से हमें क्या करनी होती है उसकी, मड़ मोर्टार से हमें उसकी प्लास्टरिंग करनी होती है। ठीक है, तो जो हम वो बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर का जो डायमेंशन होती है वो होती है 6 मीटर × 3.5 मीटर × 4। ठीक है, ये डायमेंशन उसकी होती है, और हाइट उसकी होती है 3.5 से 4 मीटर के बीच में आप ले सकते हो। ठीक है, उसकी उसकी स्लोप भी लेना होता है थोड़ा सा, जैसे कि फिगर में बताया खाया हुआ है, पीछे मैं दिखा देती हूँ अभी आपको। तो ये आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में, देखो 3.6 मीटर तो इसमें हाइट ली है और 4 मीटर इसकी ऐसे ऊपर से चौड़ाई है, उसके बाद ये थोड़ा सा स्लोप ले रखा है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, ग्राउंड लेवल। अब ये देख सकते हो आप इसके अंदर क्या है, लाइमस्टोन है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, इसके बाद मड मड प्लास्टरिंग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये सेक्शन है हमारा, और उसके बाद ये हमारा प्लान है। प्लान को आप देख सकते हो, देखो ऊपर से देखेंगे तो 3.6 मीटर ये दिखेगी। ठीक है, और उसके बाद ये 4 मीटर तो हमें ये दिखेगी यहाँ से, और नीचे से जो इसकी जो लेंथ है ये होगी 6 मीटर, ये दिखा रखी है इसमें। ठीक है, उसके बाद आइए पीछे फिर चलते हैं, हम समझते हैं। तो ये तो थी हमारी डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद थोड़ा स्लोप देना होता है। उसके बाद जो इसमें हम फ्यूल यूज करते हैं वो चारकोल का यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखो, इन क्लैम्प्स आइदर इन स्टैक्स और ही फ्रॉम द फायर होल आर प्रोवाइड एट बॉटम साइड। जो नीचे जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, नीचे की तरफ हमें होल्स बनाने होते हैं ताकि हम उसमें फायर कर सके। ठीक है, बर्निंग के लिए द क्लैम्प्स आर फायर थ्रो दिस फायर होल्स ओनली। ठीक है, उन होल्स में से हमें फायर करानी होती है। उसके बाद आल्सो द स्मॉल ओपनिंग आर प्रोवाइडेड एट बॉटम, बॉटम साइड में हमें क्या करानी होती है, छोटा सा मतलब ओपनिंग करानी होती है। ठीक है, एंड टॉप ऑफ द क्लैम्प्स टू ड्राइव ऑन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और टॉप पे हमें क्या, थोड़ी सी टॉप पे और बॉटम पे हमें थोड़ी थोड़ी मतलब ओपनिंग करानी होती है। टॉप पे इसलिए कराते हैं क्योंकि जिसमें CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको हम इजीली निकाल सकें। ठीक है, द डिसअपीयरेंस ऑफ ब्लू फ्लेम विच इज ड्यू टू CO2। जो ब्लू फ्लेम होती है, जो डिसअपीयरेंस होती है वो किस वजह से होती है, CO2 की वजह से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट टॉप इंडिकेट्स द कंप्लीट बर्निंग ऑफ लाइम। कंप्लीट जब वो बर्निंग हो जाती है उसकी, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब निकल जाती है उसकी। ठीक है, द बर्निंग मस्ट बी कंटिन्यू फॉर 2-3 डेज। कम से कम 2 से 3 दिनों के बीच में हमें उसकी जो बर्निंग होती है वो करानी होती है, 2 से 3 दिन के बीच में कंटिन्यू। एंड देन अलाउ टू कूल फॉर अनदर 2-3 डेज। और उसको ठंडा होने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन ही उसको ठंडा होने में लगता है। द स्मॉल पीसेस, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द स्मॉल पीसेस और लम्स ऑफ लाइम आर ऑब्टेन बाई डिस इंटीग्रेशन ऑफ लाइम विच आर सेपरेट फ्रॉम एस बाय हैंड पिकिंग। क्या होता है, देखो हाथ के द्वारा उठाते हैं, देखो स्मॉल पीसेस होते हैं लम्स ऑफ लाइम, लाइम के छोटे छोटे जो लम्स मतलब गांठे होती हैं उन्हें लाइम सॉरी क्या होता है, देखो लाइम स्टोन के जो जैसे टूट रहा है, टूटने से क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस होते हैं लाइम के। ठीक है, लाइम्स के, लाइम के होते हैं लम्स की फॉर्म में, लम्स की फॉर्म होते हैं जो गांठे होते हैं ना छोटी छोटी, उन्हें बोलते हैं। ठीक है, फिर उन्हें हमें जो वहाँ राख होती है उसमें फ्यूल की, जो एस बोलते हैं, ठीक है, तो
तो जो राख होती है उसमें से हमें हाथ के द्वारा निकालने होते हैं वो, ठीक है। ऐसे हमें क्या होता है, लाइम मिलता है। उसके बाद है ड्रॉबैक्स ऑफ क्लैंप बर्निंग, कुछ ड्रॉबैक्स है क्लैंप। देखो मोर कंजप्शन ऑफ फ्यूल, इसमें ज्यादा फ्यूल यूज होता है एक तो, ठीक है। फर्स्ट है इसमें हमारा मोर कंजप्शन ऑफ फ्यूल, द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड इज मोर, देयरफॉर दिस मेथड इज प्रेफर ओनली व्हेन द फ्यूल इज अवेलेबल अर्जेंटली एंड चीप। देखो इसमें बहुत ज्यादा फ्यूल यूज होता है, ईंधन जो बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और जो कि हम बहुत चीप होता है, सस्ता होता है, ठीक है। लॉस ऑफ हीट, एज देयर इज नो कंट्रोल ऑन टेम्परेचर सो देयर कंसिडरेबल लॉस ऑफ हीट ड्यूरिंग बर्निंग। ऑल्सो द मड प्लास्टरिंग क्रैक्स टू द एक्सेस ऑफ हीट। क्या होता है कि जब टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया जाता तो उसमें हीटिंग जो होती है बर्निंग के दौरान वो वेस्ट होती है, ठीक है। और जब ज्यादा हीटिंग होती है तो क्या होता है, जो मड मोर्टार में मड से हमने जो प्लास्टरिंग की है वो क्रैक्स आ जाते हैं उसमें। क्रैक्स आने की वजह से देखो द मॉइस्ट एयर एंटर थ्रू दिस क्रैक्स, तो उसमें से मॉइस्चर एंटर कर जाता है अंदर एंड स्लैक द लाइम, और लाइम क्या स्लैक हो जाती है। द स्लैक्ड लाइम इज इजली मिक्सड विद एस विच इज नॉट रिमूव, और जो स्लैक्ड लाइम होती है वो एस में जो आपकी जो ईंधन की जो राख होती है जलने के बाद जो होता है पदार्थ, ठीक है, उसमें मिक्स हो जाती है और जो कि रिमूव नहीं होती, उसमें से निकाली नहीं जा सकती, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ लाइम, लाइम की क्वालिटी कैसी रहती है। द क्वालिटी ऑफ लाइम सो ऑब्टेन्ड बाय क्लेम बर्निंग इज नॉट यूनिफॉर्म, जो लाइम की जो क्वालिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, एक जैसा नहीं होता लेकिन अच्छा होती है, ठीक है। द स्मॉल साइज लम्स ऑफ लाइम स्टोन नियर द सरफेस रिमेन अनबर्नड एंड नियर द फायर होल ओवरबर्नड, सो द बर्निंग इज नाइदर यूनिफॉर्म नॉर कंप्लीट, ना तो वो यूनिफॉर्म होती है और ना ही कंप्लीट होती है। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है देखो अनइकोनॉमिकल, द कंजप्शन ऑफ मोर फ्यूल एंड लिमिटेड यूज, जो फ्यूल का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, और लिमिटेड यूज करना होता है, मेक दिस मेथड अनइकोनॉमिकल। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, अनइकोनॉमिकल, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ फैट लाइम, देखो कैसे होती है, इसके क्या है, एक तो क्लैम्प बर्निंग से होती है, एक होती है क्लैन बर्निंग से, ठीक है। क्लैम्प बर्निंग से तो एक सिंपल होती है जो हमने पढ़ी है, उसके बाद है क्लैन बर्निंग। क्लैन बर्निंग की जो होती है, एक तो इंटरमीडिएट क्लैन से होती है और एक कॉन्टिन्यूस क्लैन की होती है। इंटरमीडिएट क्लैन में दो तरह से होती है, फिर फ्लेम टाइप से और फ्लेयर टाइप से। उसके बाद कॉन्टिन्यूस में भी सेम दो टाइप से होती है, फ्लेम टाइप से और फ्लेयर टाइप से। आज के लेक्चर में इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।